देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। दशहरा के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए माना जाता है। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। देश में इस दिन बुराई रूपी रावण का दहन भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, देश में कई ऐसी जगह है जहां दशहरा नहीं मनाया जाता, ना ही इस दिन रावण का पुतला फूंका जाता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं कुछ जगहों के बारे में और जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। उत्तर प्रदेश का बिस्रा गांव। यूपी के बिस्रा गांव में रावण दहन नहीं होता। पहले के वक्त में यहाँ रामलीला का मंचन भी नहीं होता था, लेकिन अब कई सोसाइटी के बनने के बाद रामलीला होने लगी है। इस गांव में लंकापति रावण की पूजा होती है, जिसकी वजह से यहां रावण का पुतला दहन नहीं होता। मान्यता है बिस्रा गांव रावण का ननिहाल था, जिसकी वजह से यहां रावण दहन नहीं किया जाता। राजस्थान का मंदौर गांव। राजस्थान के मंदौर में भी दशहरा नहीं मनाया जाता। इस गांव में रावण दहन नहीं होता है। कहा जाता है कि मंदौर गांव रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था, जिसकी वजह से रावण इस गांव का दामाद था। यही वजह है कि यहां के लोग ना तो दशहरा मनाते हैं, ना ही रावण का पुतला फूंकते हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर गांव। मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव में देश का पहला रावण का मंदिर बना था। यहां विजयदशमी नहीं मनाई जाती। इस गांव को भी मंदोदरी का मायका कहा जाता है। यहां रावण की विशाल मूर्ति रुणदी नाम से स्थापित है, जिसकी पूजा की जाती है। इस मूर्ति के सामने महिलाएं घूंघट में जाती हैं, क्योंकि रावण इस गांव का दामाद था, इसलिए महिलाएं दामाद के सामने बिना घूंघट नहीं जाती। हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में भी रावण की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस जगह पर रावण ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए यहां विजयदशमी नहीं मनाई जाती। इस मंदिर में कोई मूर्ति ना होते हुए भी यहां रावण की पूजा की जाती है। लंकेश्वर महोत्सव। कर्नाटक के कोलार जिले में लंकेश्वर महोत्सव का आयोजन होता है। इस आयोजन के दौरान रावण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस महोत्सव में रावण के साथ साथ भगवान शिव की प्रतिमा का भी जुलूस निकाला जाता है। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण यहां रावण की पूजा की जाती है। कानपुर में है रावण का मंदिर। यूपी के कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां दशहरा के दिन भगवान राम की नहीं बल्कि रावण की पूजा होती है। आपको बता दें कि यह मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है। इसके साथ ही यहां रावण की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही दशानन की आरती होती है और जयकारे भी लगाए जाते हैं। मान्यता है कि जो इस मंदिर में सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि रावण जैसे ज्ञानी इस पूरे विश्व में न कभी पैदा हुआ, ना ही कभी होगा, इसलिए रावण के इसी स्वरूप की यहाँ पूजा की जाती है।